तो हेलो गाइस, क्या हालचाल? बढ़िया सब? तो गाइस, आज हम दोबारा से खेलने वाले यहाँ पे फार्मिंग सिमुलेटर 2020। तो गाइस, जैसे कि पिछले वाले एपिसोड में यार अपन लोगों ने यहाँ पे बहुत ही ज्यादा जो है कॉन्ट्रैक्ट वगैरह लिए थे, और कुछ कॉन्ट्रैक्ट गाइस अभी भी ऐसे हैं जिनमें यार काम मेरे को करने को बाकी है। तो फिलहाल तो मैंने वो वाला जो मैंने कॉन्ट्रैक्ट ले रखे यार, उनको ना मेरे को दोबारा से जो है भाई पूरा करना तो पड़ेगा। तो देखते हैं यहाँ पे कितने कॉन्ट्रैक्ट जो है चल रहे हैं। तो गाइस, यहाँ पे दो जो है कॉन्ट्रैक्ट अभी करंटली चल रहे हैं, और दोनों के दोनों जो है भाई अभी कम्प्लीट रहे हुए हैं। तो और कौन सा एक कॉन्ट्रैक्ट बचा है भाई? एंड ये बंदे को मैं कहां भेज रहा था यार? वेट, ये किसका अनाज है भाई? ये क्या है? इसमें ऑट है ना शायद से, मेरे ख्याल से। एंड एक ना कॉन्ट्रैक्ट और चल रहा था। अच्छा भाई, यहां पर भी ऑट है, बट ओके समझ में आ गया। ये वाले का ट्रैक्टर यहां खड़ा है और उसका वहां पे खड़ा है। ठीक है जी, समझ में आ गया, सब कुछ समझ में आ रहा है। मतलब काफी टाइम हो गया ना गाइस अपन ने जो है इस गेम को नहीं खेला, तो मेरे को ना अभी समझ ही नहीं आ रहा था कि एक्चुअल में जो है अपन को किधर का जो है मामला पानी अभी लाइक बाकी है करने को। तो फिलहाल तो अपन ने एक काम करते हैं, यहाँ पर है वर्कर को मैं हायर कर देता हूँ। एंड वेट, ये वाला जो ट्रैक्टर था ना, क्या बोलते हैं, ये मेरे को देखना है ये कौन से वाले का भाई सामान लेके जा रहा है, क्योंकि मेरे को भाई कोई आइडिया नहीं है यार ये कौन से फील्ड का ट्रैक्टर है भाई। एक सेकंड वेट, ये फील्ड कौन सा है? ये वाला फील्ड अगर मैं देखूं चल के तो, वेट अ सेकंड, ये फील्ड है 78। ओके 78 का माल नहीं, 57 वाला जो माल है वो भेजना है गाइस अपन को ग्रेन मिल के अंदर। तो फटाफट से उस वाले ट्रैक्टर में बैठते हैं। एंड ये रहा वो ट्रैक्टर, तो इसको ना गाइस अपन को भेजना है ग्रेन मिल पर। तो वेट अ सेकंड, ग्रेन मिल यहाँ कहीं पे थी ना? ओके, ये रे भाई बहुत ही ज्यादा दूर है। तो एक काम करते हैं, अपने वर्कर को बोलते हैं भाई कि तू ये वाला ट्रैक्टर को ना यहाँ तक पहुँचा दे। एंड ओके गाइस, यहाँ पर ना वर्कर आ चुका है, आप लोग देख सकते हो, और ये जो है तब तक जाके माल पहुँचा देगा। एंड ये अपनी गाड़ी है खड़ी है, जिसकी मेरे को अभी जरूरत है नहीं फिलहाल के लिए। और ये वाले ट्रैक्टर पे उसका काम नहीं है। तो और मैं देखता हूँ मेरे को ना और कितने जो है मैं कॉन्ट्रैक्ट ले सकता हूँ। वैसे दो अभी चल रहे हैं, और गाइस एक कॉन्ट्रैक्ट और है जो कि बेलिंग का है, और बेलिंग वाला यार मैं बिल्कुल भी करने के मन में नहीं हूँ, क्योंकि उसमें ना बहुत ही ज्यादा सिरदर्दी का काम है गाइस। एंड फर्टिलाइजर का मेरे को बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट आ रहे हैं, पर मैं फर्टिलाइजर का नहीं ले रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ ये कल्टीवेटिंग वाला जो है ये ले लिया जाए, क्या बोलते हो गाइस? एक कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है भाई, इसको भी जो अपन ले लेते। 51 फील्ड का है, तो 51 फील्ड को ना एक बार चेक कर लेते कितनी बड़ी होने वाली है भाई, क्योंकि ज्यादा बड़ी होगी तो अपन जो है उसको नहीं करेंगे। तो 51 55 53, ओके यार काफी अच्छी खासी बड़ी है, लाइक बोल सकते हैं थोड़ी अच्छी खासी बड़ी है। तो क्या बुक करे यार, ले लेना चाहिए गाइस, मेरे हिसाब से ले लेना चाहिए, क्योंकि अभी ना हमें पैसे की जो है थोड़ी सी नीड पड़ने वाली है। और कल्टीवेटिंग के लिए मैं सोच रहा हूँ, आपने पास में देखो ट्रैक्टर भी पड़ा है, वो भी पड़ा है, कल्टीवेटर भी पड़ा है, सब कुछ पड़ा ही है ना। एंड ओके, मैं अगर $247 को दे दूंगा तो मेरे को सामान के साथ ही मिल जाएगा। तो एक काम करते हैं, इसको अपन ले लेते हैं, मैंने ब्यूरो आइटम कर दिया है। एंड वेट अ सेकंड, शॉप पे चलते हैं गाइस। ये रहा वो ट्रैक्टर भाई, क्या नाम है इसका? फांटर पेटीएम, पता नहीं बहुत ही अजीब नाम है। इस ट्रैक्टर से जो है गाइस हम कल्टीवेट कराने वाले हैं फील्ड नंबर 51 में, ठीक है। एंड फिलहाल तो ये वाला ट्रैक भाई, ये वाला जो वो है ना, क्या बोलते हैं, कल्टीवेट, ये वाला कल्टीवेटर का अलग ही सीन है गाइस। इसको ना मेरे को उठा के जो है, वेट सेकंड, पहले ना ये कनेक्ट हो जाए भाई, आराम से करते हैं। ओके, ये कनेक्ट हो चुका है। एंड उसके बाद मेरे को जो है इसको उठा के साला उस पे डालना पड़ेगा, क्या ऐसा कुछ सीन है? अबे यार, इसका ट्रेलर भी ना इन लोगों ने दे रखा है, तो अभी काम करते हैं एकदम कायदे प्लस कानून के साथ जो है अपन ना इसको लेके चलेंगे गाइस, ठीक है। इसको ना यहाँ पर डालते हैं अपन। एंड ओके, आ जाओ जी, इसके ऊपर कैसे रखा जाएगा यार, मेरे को तो कोई आइडिया नहीं है भाई। रख जाएगा ये ऐसे? नहीं, ये ऐसे नहीं करना था। वेट अ सेकंड, मैं भूल गया यार, ये रहा ना। एंड अभी अपन इसको ड्रॉप करेंगे तो, अरे भाई साहब वो तो अलट पलट ही गया है। एक काम करते हैं, पहले ना अपन इसको कनेक्ट करते हैं भाई। ये काफी ना तिगड़म वाला सामान नहीं लग रहा मेरे को, क्योंकि ये पहले मेरे को यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा। एंड फिर उसके बाद मेरे को क्या करना है इसको जो है, नहीं यार इसको मैं कैसे लोड कैसे करूं इस पे, मेरे को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा गाइस। भाई ये देखो कैसा उल्टा सा हो गया है वो, अरे भाड़ में गया भाई, इसको छोड़ यहीं पे, अपन एकदम देसी स्टाइल में जो इसको लेके जाएंगे, ठीक है गाइस। अपन एक काम करते हैं, एकदम देसी स्टाइल में जो इसको लेके चलने वाले हैं। एंड ओके भाई साहब, आप कनेक्ट हो गए यहाँ पर, वो तो जाना चाहिए वैसे आपको। अरे भाई ये तो पलट गया यार, अब मैं सीधा कैसे करूं इसको? अरे भाई साहब कहां ही चढ़ गया ये ट्रैक्टर अपना। ओके, आया था ऑप्शन, आया था। एक बारी आराम से कनेक्ट हो जाए ना तो झंझट खत्म है यार। मैंने गलती करी, मेरे को ना ऐसी जो है इसको सीधे ले जाए, लेके चले जाना चाहिए था। चढ़ जा उसके पीछे कहीं तो, चढ़ जा। अरे यार अब ये सीधा भी नहीं भाई, अलग ही रहता फैला देता हूँ ना मैं, कभी कभी गधों वाली हरकतें कर देता हूँ, पता नहीं क्यों यार, तुम्हारे भाई की ना पुरानी आदत है। चल अभी तो सीधा हुए। अरे भाई साहब ये अभी भी नहीं हो रहा है गाइस, भाई कैसे सीधा करूं मैं इसको यार, मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा। चढ़ा दूंगा साले को पूरा ही। हुआ हो रहा है। अरे ऑप्शन आया था यार अभी, चढ़ जा तेरी भैंस की टन टनाटन। ओके अब तो होगा, अब तो इसका बाप भी होगा गाइस। चलो अभी
जो है अभी इस वाले को अपन को कहाँ लेके जाना है, मैं तो भूल भी गया यार इतनी जल्दी। कल्टीवेटिंग वाला है ना 51 में जाएगा, ठीक है 51 रहा ये, एंड दूर है क्या? वैसे ज्यादा दूर भी नहीं है, तो अपन ही इसको ना एक काम करते हैं पहुंचा देते हैं 51 तक, ठीक है। अपन ना शॉर्टकट वॉर्टकट मार के थोड़ा जल्दी पहुंचा देंगे, इससे क्या होगा यार अपना थोड़ा सा ना यहाँ पे पैसा लाइक बचा करेगा, क्योंकि वर्कर भी गाइस काफी अच्छे खासे पैसे ले जाते हैं, और जितना काम अगर हम खुद से करेंगे ना तो उतना ही ज्यादा जो है अपन यहाँ पर पैसे बचाएंगे। और गाइस मैं सोच रहा हूँ यार, मैं एक काम करता हूँ, मैंने एक छोटा सा सोच रहा हूँ यार फील्ड खरीद लूँ, क्योंकि मेरे को ना यहाँ पर जो है ग्रीन हाउस वगैरह जो यार गाइस लगाने हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो है हमारा भाई यार दबा के मेहनत करने वाला है, और एक नया जो है भाई अपने लिए अपन खेत बाय करेंगे, जहाँ पर अपन लाइक या तो फसल उगाएंगे कोई, या फिर जो है वहां पर ना हम ग्रीन हाउस वगैरह लगाएंगे, ठीक है। क्योंकि ग्रीन हाउस वगैरह लगाने के लिए भी मेरा खुद का लैंड चाहिए, और अपना जितना भी एरिया में मिला है उसमें यार चीजें ना बहुत ही ज्यादा हौच पौच होती है, तो अपन को लाइक कुछ ना कुछ जुगाड़ तो बैठाना ही पड़ेगा। एंड बाकी गाइस ये रहा 51, तो अगर मैं यहाँ पर अगर इसको खुद से कल्टीवेट करना शुरू करूँ तो मेरे को कितना टाइम लगेगा, पहले मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। पहले ना अपन एक काम करेंगे, वेट अ सेकंड, मैं सोच रहा हूँ वर्कर से करा लूँ, क्योंकि यार मेरे को ना और भी काम गाइस यहाँ पे देखने पड़ते हैं यार, काफी सारे काम ऐसे होते हैं जो मुझे ना खुद से ही जो है करने पड़ते हैं। फिलहाल तो मैं इसको लोअर करता हूँ, एंड ओके कल्टीवेट करते हैं गाइस अपन खुद से ही जो है इसको इस वाले खेत में ना कल्टीवेट मार देते हैं। एंड ये देखो गाइस अपना जो है खेत यहाँ पे कल्टीवेट होना स्टार्ट भी हो चुका है, क्योंकि भैया जी बहुत ही अच्छा लग रहा है, मतलब लाइक खेतों में काम करने का अपना अलग ही आनंद है। और कोई तो भाई वर्कर जो है ब्लॉक हो रहा है, आई डोंट नो कौन सा गधा नल्ला वर्कर जो है यहाँ पे ब्लॉक हो रहा है। एंड मैं एक काम करता हूँ, तब तक देख के आता हूँ। एंड ओके ये वाला भाई यार यहाँ पे तो अभी काफी सारा हार्वेस्टिंग का बचा हुआ है। एंड ओके ये वाले ने बंदे ने जो है ये माल यहाँ पर पहुंचा दिया है, तो भाई साहब अब यहाँ पे हट जाओ, क्योंकि बाकी का जो काम है मैं खुद ब खुद कर लूंगा। एंड ये जो है ग्रीन मिल में अपन को डंप करना है, यहाँ पर जितना भी जो इसके अंदर ऑट पड़ा है सारा का सारा गाइस अपन को जो है यहाँ पर आके डंप करने का है रे बाबा। एंड ओके 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 आ गया ऑप्शन, चलो गाइस उसको जो है फटाफट से यहाँ पे डंप करते हैं। उसके बाद जो है मुझे वो वाले फील्ड का भी, दूसरे वाले फील्ड में जो कल्टीवेटिंग मतलब चल रही है ना, कल्टीवेट कह रहा हूँ हार्वेस्टिंग, वहां पे भी चल के देखना है कि क्या सीन है। फिलहाल तो अभी मैं सोच रहा हूँ ये वाला जो है फटाफट से यहाँ पे कम्प्लीट हो जाए। ओके सी वाले का जो है ग्रेन 80% फुल हो चुका है, और कॉन्ट्रैक्ट 57 का जो है 70% यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन कम्प्लीट हो चुका है, मतलब अराउंड गाइस यहाँ पर 30% जो है इसका काम बचा है। फिलहाल तो ये कौन से वाले कॉन्ट्रैक्ट का था यार भाई, काफी कंफ्यूजिंग हो रही है। 78 पे ओके 57 पे ना, तो 57 पे अपन को इसको भेजने का है। एंड ये लो इसको मारते हैं जीपीएस सेट, एंड जी आ जाओ। ओके ये यहाँ पर नहीं आएगा, अरे यार मेरे को ना इसको पूरा जो है एकदम यहाँ से ना निकाल के जो है प्रॉपर रोड पे पहुंचाना पड़ेगा, तभी जो है भाई अपना वर्कर नल्ला वर्कर जो है इस ट्रैक्टर को वहां तक पहुंचाएगा। आई थिंक अब तो पहुंचा देना चाहिए मेरे हिसाब से, ट्राई कर लेते हैं अपन, बोलते हैं भाई तुम यहाँ तक पहुंचा दो। क्या ये पहुंचाएगा? ओके ओके काम तो ले लिया है भाई, इसने जॉब तो ले ली तो कर ही देगा। एंड बाकी ओके गाइस ये जो है पूरा का पूरा खेत ऑलमोस्ट कल्टीवेट हो गया है, ठीक है। अभी बस थोड़ी सी एक पट्टी बाकी है, अपन सोच रहे हैं उसको भी कल्टीवेट मार लेते हैं, एंड उसके बाद जो है इसका सारा का सारा वो निकाल के अपन इसको भेज देंगे जल्दी से जो है जहाँ पे भी हमें भेजना है, ठीक है। चलो ये थोड़ा सा लाइन बच गई है यार, तो ये जो है तुम्हारे भाई को खुद से करनी पड़ेगी यार, अभी क्या ही कर सकते हैं गाइस, करना तो पड़ेगा भाई, मालिक हमें तो काम भी हमें को करना है। एंड यार अपने पैसे माइनस क्यों हो रहे हैं, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा यार, कुछ तो सीन है गाइस। पहले मेरे को ना थोड़ी सेटिंग चेक करने दो। ओके गाइस मुझे समझ नहीं आ रहा है कि किस वजह से जो है अपने पैसे कटते जा रहे हैं भाई अगर ये ऐसे कटते रहेंगे ना तो अपना काम हो जाएगा। शायद अपने जो AI वर्कर चल रहे हैं ना भाई, वो हैंड टू हैंड नगद पेमेंट काट रहे हैं, मेरे को तो कुछ ऐसे ही सीन लग रहा है। एंड जल्दी से जो है ये वाला काम अपना खत्म करते हैं, और ये वाला कॉन्ट्रैक्ट जो है फटाफट गाइस अपन ना यहाँ पर पूरा करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है चलो ये हो गया है, एंड हार्वेस्टर को ऑफ करो, और अभी ना बाजू वाले ट्रैक्टर में जो है मेरे को ये सारा का सारा माल ले जाके ड्रॉप करना है, और उसके बाद जो है ना अपन इसको यहाँ पर डायरेक्टली जो है इसको भी देखना पड़ेगा कि ये कौन सी जगह पे जाएगा यार, ये भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है। एंड वेट अ सेकंड, मेरे को जो है स्ट्रॉ पाइप आउट करो इसका जी। ओके पाइप निकल आया है, एंड अपन ना बाहर निकलते हैं और बैठते फटाफट से इस वाले ट्रैक्टर में, ठीक है। और जो है अपन इसको कवर खोल लेते हैं ताकि उसका जितना भी जो है मामला पानी है इस वाले ट्रॉली में आके लोड जाए। एंड वैसे देखा जाए तो यार ये वाली ट्रॉली कुछ ज्यादा बड़ी है, मतलब अपने पे जो है थोड़ी छोटी वाली है। एंड चलो ड्रॉप होने देते हैं गाइस, इसमें जो है अपना मामला पानी यहाँ पर ड्रॉप हो रहा है। तब तक ओके ये कल्टीवेट आराम से कर रहा है, ये फुल हो चुका है, पर इसका ट्रैक्टर ना अभी भी रस्ते में है यार। ओके कोई बात नहीं है, आ जाने देते हैं यार उसको आने में ना थोड़ा सा यहाँ पर टाइम लगने वाला है मेरे को तो ऐसा लग रहा है। एंड ओके ये पूरा खाली होने में कितना टाइम लगेगा यार, जल्दी होए तो मैं इसको ट्रांसपोर्ट करूँ एंड फटाफट से पैसा गिनूँ, क्योंकि पैसे की अपन को नीड है गाइस। 5, 4, 3, 2, 1 एंड चलो पूरा का पूरा यहाँ पर फिनिश हो चुका है। एंड अभी जो है मेरे को ये फील्ड कौन सा है 78, तो 78 वाले फील्ड को जो है
इसका मामला पानी कहाँ भेज रहे हैं आप वो भी चल के ना देखना पड़ेगा। तो ये रहा 78 के कैंडल फैक्ट्री में भेज रहे हैं अपन को इसका सामान। कैंडल फैक्ट्री कहाँ पर है जी, मेरे को तो ये भी नहीं पता है यार। यहाँ पर थी क्या वो? नहीं यहाँ पर नहीं थी, इस एरिया में थी ना कोई। ये रही भाई, यहाँ पर जो है मेरे को इस ट्रैक्टर को भेजना है। तो पता नहीं अपना वर्कर नल्ला जो है वो पहुंचाएगा भी नहीं पहुंचाएगा। ओके मेरे को लगा ही था ये ना इसको पहुंचाएगा नहीं, तो भाई खुद से ले जाना पड़ेगा क्या? चल भाई मेरे ट्रैक्टर इतना स्लो क्यों है तू? हाँ इतना स्लो काहे को है भाई, तेजी नाल चला कर। एक काम करते हैं अभी ना इसको अपन ना रोड पे छोड़ देते हैं, मेरे को लग रहा है रोड से तो बंदा आराम से जो है इसको ले ही जाएगा मेरे को लग रहा है। नहीं चलो दोबारा ट्राई मारते हैं, अपन को भेजना है यहाँ, नहीं यहाँ पर नहीं, कहाँ भेजना था? वेट कौन सी फैक्ट्री थी वो, कहाँ थी? ये रही ना, यहाँ पर भेजना है गाइस। चलो यहाँ पर जो है अपन इसका GPS सेट कर देता है, रोड पे लगा देता हूँ ताकि ले जाए। एंड ओके आ तो गई है भाई, जॉब ले लिए। ओके इस बंदे ने जॉब ले लिया अपन से, वो कर देगा मेरे ख्याल से। एंड वो वाला ट्रैक्टर कहाँ तक पहुंचा? अबे यार इसको पहुंचने में अभी काफी टाइम लगने वाला है गाइस। एंड ओके ये वर्कर जो है अपना अपना सामान वहाँ पे पहुंचा देगा। बाकी यहाँ पर अपना कल्टीवेटिंग का काम चल रहा है। तो गाइस अभी ना मैं काम करता हूँ, मैं ना अपने घर पे चल रहा हूँ ठीक है। एंड यहाँ पर हाँ यार मैंने लास्ट टाइम बेलिंग भी करी थी ना, ये देखो यहाँ पे पड़े हैं। मैं सोच रहा हूँ इनको ना मैं कहाँ पे रखूँ। ओके यार इसको मेरे को ना हाथ से उठा के मैं सोच रहा हूँ कहीं तो रख दूँ यार, ये भारी है क्या? इतना भी भारी नहीं है भाई। तो अपन ना इसको जो है कहीं पे तो रख देते, यहाँ पर ना स्टोर कर देते गाइस, क्या बोलते हो? इनको ना मैं सोच रहा हूँ यहाँ पर उठा के रख दूँ यार। एंड मैं सोच रहा हूँ अभी अगस्त का महीना जैसे खत्म होगा ना, उसके बाद जैसे सेप्टेम्बर आएगा, मैं यहाँ पर दोबारा से जो है गाइस वो प्लांट कर दूंगा, क्या बोलते हैं, वीट इस वाले खेत में लगा दूंगा ठीक है। एंड मेरे को ना यहाँ पर गाइस जो है ग्रीन हाउस बनाने यार, और ग्रीन हाउस बनाने के लिए मेरे को चाहिए जगह। तो मैं यहाँ पर सोच रहा हूँ ग्रीन हाउस लगाने की। वैसे छोटा वाला 3000 का है जो कि मैं लगा सकता हूँ, मतलब इस जगह पे भी मैं चाहूँ तो लगा सकता हूँ। पर होगा कि अगर जैसे मान लो अपन को अगर इस वाले खेत में काम करना होगा ना, तो अपने AI वर्कर बार बार ब्लॉक हुआ करेंगे, जो कि थोड़ा प्रॉब्लमेटिक मेरे को लग रहा है। बाकी हाँ मैं चाहूँ तो यहाँ पर भी छोटा सा ग्रीन हाउस लगा सकता हूँ। बस यार मेरे को ना ये वाला जो पेड़ है, मैं सोच रहा हूँ यार ये वाला जो पेड़ है ना इसको यार मैं कैसे हटाऊँ? ये पेड़ मैं कट नहीं कर सकता क्या? यहाँ पर ट्री है। ओके मेरे को अगर ये वाला, अच्छा मैं ये वाला, अच्छा मैं ये भी चाहूँ तो ये हटा सकता हूँ। वैसे ये मेरे किसी काम का नहीं है। एंड ये भी मैं तोड़ सकता हूँ ठीक है, बट मेरे को क्या इसको हटाना चाहिए? ये है क्या? डेकोरेशन आइटम है, सेल करो भाई, इसको नहीं चाहिए मेरे को। यू वांट टू सेल डेकोरेशन? ओके मुझे नहीं चाहिए। इसकी जगह पे गाइस जो है अपन यहाँ पर लगाएंगे अपने ग्रीन हाउस, क्या बोलते हो भाई? ये वाले ग्रीन हाउस बनाते 3000 वाले, मैं तो सोच रहा हूँ यही बनाते गाइस। एंड इसको मैं रोटेट भी कर सकता हूँ क्या? वेट अ सेकंड, हाँ मैं कर सकता हूँ भाई। मैं सोच रहा हूँ यहाँ पर ना लाइन से गाइस जो है अपन ग्रीन हाउस बनाते हैं इधर वाले एरिया में ठीक है, छोटे से या फिर बड़े वाले बनाओ भाई। ये 5000 वाले बनाता हूँ या 10000 वाला बनाओ? 10000 वाला बनाते हैं गाइस, 10000 वाले दो बनाते, क्या बोलते हो? ऊपर टू द लैब्स ऑन ऑब्जेक्ट व्हाट? ओके एक तो बन गया भाई, एक और बन जाता तो ज्यादा सही होता। लैंडस्केपिंग की जरूरत है कि यहाँ पर कि मैं कर तो रहा हूँ भाई, आई थिंक से यहाँ पर लैंडस्केपिंग की नीड है मेरे ख्याल से। ओके मैं करके देख रहा हूँ, देखते हैं क्या होता है, कर तो रहा हूँ गाइस मैं। एंड अभी दोबारा से जो है ग्रीन हाउस लगाते हैं अपन एक और, ओवरस्लोप द लैंड। अरे भाई इस वाले के लिए ना मतलब एक ही लगाया पर ठीक है, अभी ना चल के देखते हैं भाई ग्रीन हाउस का एक्चुअल में सीन है क्या, क्योंकि यहाँ से भी गए अपने ना पैसे आएंगे भाई तगड़े वाले। एंड तो उसके लिए मेरे को पानी चाहिए होगा आई थिंक से। एंड वेट इसको ओपन करते हैं और यहाँ चलते हैं। तो आर तो मैनेज प्रोडक्ट एंड यहाँ से टमाटोस, लैक्टस और स्ट्रॉबेरी, हम तीन चीजों को प्लांट कर सकते हैं यहाँ पर। और टमाटो का रेट प्रोडक्शन कॉस्ट जाएगी ₹2 पर मंथ, और साइकिल मंथ जो है मतलब महीने का अपन को शायद 1500 मिलेगा। और इसका लैक्टस सस्ता है और स्ट्रॉबेरी भी जो है लाइक है, मेरे को अभी समझ नहीं आ रहा है, मैं सोच रहा हूँ टमाटो लगा दू, क्या बोलते हो? टमाटोस लगाना चाहिए मेरे हिसाब से, मेरे को टमाटोस लगाना चाहिए गाइस। मैं ना टमाटो फिलहाल प्लांट कर रहा हूँ। अरे यार ये तो सूख गए, अरे मेरे को ना पहले पानी लगा के डालना पड़ेगा यार। ओके ओके गाइस अभी एक काम करते हैं, अपना जो ट्रैक्टर है ना वो लेके चलते हैं, और मेरे को ना एक पानी का टैंकर लाना पड़ेगा क्योंकि मेरे को ना पानी की थोड़ी सी नीड पड़ रही है। एंड इसको ना अपन यहाँ पे ड्रॉप करेंगे। एंड चल भैया ट्रैक्टर, तू ये वाले ट्रैक्टर को गाइस अपन लेके चल रहे हैं अभी शॉप पे ठीक है। शॉप पे अपन इसको लेके जाएंगे और वहां चल के मैं ना एक छोटा सा टैंकर लेके आता हूँ जिसमें ना मैं पानी भर के लाऊंगा। एंड पानी भी मेरे को देखना पड़ेगा भाई कहाँ से लाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे तो कोई आइडिया नहीं है। एंड भाई मैं खुद से क्यों जा रहा हूँ यार, मेरे को और भी तो काम है। मैं एक काम करता हूँ अपने वर्कर से बोलता हूँ, तू भैया जो है ना ट्रैक्टर कहाँ पर यहाँ पर पहुंचा दे, क्या बोलते हैं अपनी दुकान पे। एंड चलो मैंने बोल दिया। एंड वेट यार ये जाएगा नहीं, क्यों नहीं जाएगा भाई, क्या
क्या पंगा आ गया। ओके गाइस मैंने बोल दिया है, बाकी मेरे को ओके यार मेरे को वो खाली करानी थी यार वो हार्वेस्टर मशीन। चल चल भाई, गाइस बहुत काम है। और हाँ मैं तो भूल गया यार, वो वाला ट्रैक्टर को मैंने वहां पे भेजा था, क्या बोलते हैं मील पे, मतलब लाइक वो ऑल्ट गिराने के लिए, वो पहुंच गया होगा तो उसको भी मेरे को ड्रम करना है। सबसे पहले मैं ये वाला काम जो रुका हुआ है ना, इसको जो है अपन लाइक वर्किंग बना देते, क्योंकि भाई ये फालतू के जो है हमसे पैसे चार्जेस ले रहा है। चलो जी खाली कर दो फटाफट। एंड यार ये वाली ट्रॉली ना गाइस अपनी थोड़ी सी छोटी है, मैंने गलती कर दी, मेरे को ना यहाँ पर मैंने थोड़ा सा दिमाग ये लगाया था कि अपनी खुद की मशीनें रहेंगी ना तो अपना थोड़ा पैसा ज्यादा बच जाएगा, बट ऐसा मेरे को लगता नहीं है यार। मेरे को ना लीज पे चीजें ले लेनी चाहिए, कि उसमें क्या होता है, उसमें ना अपन को लीज पे चीजें सस्ती भी पड़ जाती हैं और काम भी उनसे सही हो जाता है। मतलब लोग जो भी मशीनें हमें प्रोवाइड करते हैं वो अपने खेत के हिसाब से प्रोवाइड करते हैं। और मेरे को लगता है इस वाले कॉन्ट्रैक्ट में हमें कोई बड़ी ट्रॉली मिली होगी जो कि हमने मिस कर दी, और अभी हमें अपनी छोटी ट्रॉली से काम चलाना पड़ रहा है, जो कि एक बार में लाइक माल तो अच्छा खासा ले जाती है बट यार टाइम काफी लग रहा है गाइस। एंड अभी इस वाले ट्रैक्टर को जो है मुझे भेजना है दोबारा से जो है ग्रेन मिल पर, और ग्रेन मिल भाई बहुत दूर है यार, कहां गई भाई ग्रेन मिल, एकदम कॉर्नर में छुपा के रखी है सालों ने, ये नहीं है भाई वो कहां है ग्रेन मिल यार, वेट ये रही गाइस, देख रहे हो भाई कितनी दूर है। तो बोलते हैं भाई साहब वर्कर से पहुंचा दे इसको, एंड चलो बोल दिया है ना अपना वो ले जाएगा, ठीक है। एंड ओके ये रही वो ट्रैक्टर जो है भाई अपना आ चुका है, और इसको ना मेरे को यहीं पे तो भेजना है, हां यहीं पे तो भेजना था आई थिंक से, हां हां यही वो जगह है ना, मैं एक बार चेक कर लूं भाई। 57 का तो अभी चल रहा है, 78 वाले का करते हैं डंप, देखते हैं क्या सीन हो रहा है। एंड करो भाई जल्दी जल्दी डंप करो, यही है ना वो कैरनल जो भी है वॉट एवर। एंड ओके गिरना शुरू, हाँ यही है गाइस। एंड 94 एंड ओके गाइस यहाँ पर जो है हमने इसको बेच दिया है, और हार्वेस्टिंग की इनकम भी हमें मिल चुकी है भाई, ठीक है। चलो ये वाला 78 का कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, और इसके भी पैसे जो है अपन कलेक्ट कर लेते, और एक्स्ट्रा जो है अपन को थोड़े से और पैसे भी मिल गए थे $400+। एंड चलो इसको कलेक्ट मारते हैं, ठीक है। एंड बाकी अपना 77 का और कल्टीवेटिंग का यार अभी भी जो है कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर चल रहा है, ठीक है। एंड ओके ये जो है अपना हार्वेस्टिंग कर रहा है, और ये ट्रैक्टर गाइस अपना पहुंच चुका है। अभी मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे ना अभी जो है फटाफट से जो है शॉप पे चल के एक वो बाय करना था, मतलब लीज पे मैं लेने वाला हूँ, खरीदने तो वाला हूँ नहीं। मेरे को एक छोटा सा जो है टैंकर चाहिए जिसमें कि मैं पानी ले पाऊं, और पानी भी मेरे को देखना पड़ेगा कहाँ से चाहिए होगा, और पानी के लिए मैं टैंकर नहीं ले सकता क्या, ट्रेलर, ये रहे ट्रेलर, ट्रेलर में चल के देखते हैं। काफी सारे ट्रेलर है भाई साहब यहाँ पर, मेरे को पानी के लिए ट्रेलर चाहिए यार, वेट पानी का टैंकर। ओके ये क्या है, ये सैलरी टैंक्स है, इसी में आते क्या वो फार्मिंग, इसमें अपन क्या क्या ले जा सकते भाई, मुझे तो कोई आइडिया नहीं है। वेट भाई पानी का टैंकर कहाँ मिलेगा यार, व्हाट वेयर आर यू टैंकर, हेलो ये तो फर्टिलाइजर के लिए है, ठीक है ये फ्रोगे वैगन है, ऑलराइट पानी के टैंकर मेरे ख्याल से यही होगा शायद, मे बी नहीं यार ये कोई और मशीन है गाइस, पानी के ये तो नहीं है। पानी के टैंकर के लिए मैं पहले देखता हूँ, ठीक है। मैंने क्या लगाया था, मैंने लगाए थे यहाँ पे शुगर बीट, नहीं मैंने क्या लगाया था टमाटो, पॉपुलर लगाने के लिए भाई, मैं पॉपुलर वगैरह भी उगा सकता हूँ गाइस, काफी सारी चीजें यार। विंटर कैरेट लगाने के लिए अपन को क्या क्या भाई काफी सारी चीजें चाहिए, फिलहाल तो मुझे खुद का एक वो चाहिए यार। वेट मेरे को मिल क्यों नहीं रहा भाई, पानी का टैंकर मेरे को चाहिए तो मैं कहां से लूं, हां इधर है भाई, क्यों नहीं दिख रहा यार मुझे। ओके गाइस मैंने यहां पे बहुत ही देर ढूंढ लिया, और मुझे लगता है यही पानी का टैंकर भी होने वाला है। तो ये 22,000 का है, और अगर मैं इसको यहां पर लीज पे लूं तो ये मेरे को कितने का पड़ेगा भाई, $1,147 इसकी लीज आने वाली है। कोई बात नहीं अभी लेना तो पड़ेगा यार, क्योंकि एट दी एंड मेरे को जरूरत है, और वो आ चुका है सामने की तरफ, ठीक है। लीज की कॉस्ट भाई कट गया भाई, काफी मोटी कॉस्ट कट गया, फिलहाल टेंशन वाली बात है नहीं, अभी भी अपने पास में गाइस $70,000 पड़े हैं। एंड मेरे को ना एक बार ये भी देखना है कि मेरे को ना पानी एक्चुअल में कहां से मिल सकता है, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं है, शायद मे बी जो है अपन ना इसको खेतों, मतलब लाइक जो इधर उधर पानी की नदियां होती है ना वहां से भी हम शायद डायरेक्टली भर सकते हैं, क्योंकि पानी वानी क्या मैं यहां पे कहीं खरीद सकता हूं, मेरे को चल के देखना पड़ेगा यार, मुझे वैसे आइडिया है नहीं कि यार मैं पानी वगैरह जो है यहां पर पानी भी लाइक अपन कहीं से बाय कर सकते हैं। वेट कॉन्ट्रैक्ट है, अदर एनिमल से प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन तो लैंडिंग टिप्स टूल्स यहां पर मिलेंगे, ट्रेलर्स कहां पर मिलते हैं जी, ऑलराइट ट्रेलर का भैया कुछ समझ नहीं आ रहा गाइस, मुझे कोई आइडिया नहीं है भाई क्या चीज होने वाली है। मैं ना एक बार ट्राई करता हूं, मेरे को ना सामने एक छोटा सा पानी का तालाब दिख रहा है, मैं वहां पे चल के देखता हूं कि पानी क्या डायरेक्टली इसके अंदर आ पाएगा या फिर नहीं आएगा, बड़ी चल के देखते हैं। ये रहा भैया तालाब, डुबा दिया है हमने ट्रैक्टर, आई होप ये ट्रैक्टर अटक ना जाए। एंड फीड टू सैलरी टैंक एंड एक्टिवेट डबल प्रेशर रेट नॉट ड्राइव, ज्यादा डीप नहीं जाना है। एंड मैं इसको भरूंगा कैसे यार, डबल में है एंड भाई मैं इसको भरूंगा कैसे, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा। यू फर्स्ट नीड टू फिल द टूल,
पूल को भाई कैसे भरू मैं, भरू कैसे? हाँ गाइस, मुझे लग रहा है यार ये वाला टैंकर तो भाई शायद से नहीं काम करेगा, क्योंकि इसमें तो मतलब टैंकर को भरने भरने का कोई ऑप्शन आ नहीं रहा है। तो मुझे लगता है पानी का टैंकर के लिए साला मेरे को कुछ और ही चाहिए होगा। तो ये वाला ट्रैक्टर अपन को रिटर्न मारना पड़ेगा भाई, मेरे को तो ऐसे ही लग रहा है। वेट अ सेकंड, इसको मैं लीज पे मैंने जो लिया है कहाँ होता था भाई, मेरे को ना एक बार चल के देखने दो यार। पैसा जा रहा है रे, वैसे तो पैसा पूरा ही चला गया जहां तक है मेरे को लग रहा है, बट वेट अ सेकंड। ओके तो गाइस अपना जो है भाई पूरी तरीके से यहाँ पे कट चुका है, मेरा कट ऐसे गया है कि मेरे को लगता है ये वाला जो है हम इसमें भाई जो है पानी वानी ले जा सकते हैं। और जो करंटली मैंने जो है ले रखा है ना टैंकर, ये टैंकर भाई किसी काम का नहीं है, तो मेरे को अभी दूसरा वाला जो है टैंकर जाके लेके आना पड़ेगा। और गाइस भाई 1100 रुपए का अपना नुकसान हो गया है, बट कोई नहीं अभी क्या ही कर सकते हैं। अभी एक काम करते हैं, फटाफट से जो है चलते हैं भाई शॉप पे, और ये वाला जो ट्रैक्टर है अपन ना इसको रिटर्न मार देते हैं, क्योंकि फालतू का अपना पैसा कट रहा है। ठीक है, यहाँ पर मैंने इसको रिटर्न कर दिया है, और मेरे को अभी जो दूसरा वाला ट्रेलर खरीदना है जो कि एनिमल में इन लोगों ने छुपा के रखा है भाई। ये छोटा वाला है एंड ये बड़ा वाला है, और एक ये है, काफी सारे हैं गाइस यहाँ पे, मेरे को कौन सा चाहिए? ये छोटा वाला लेके जाऊं क्या, इससे काम बनेगा? ये वैसे 514 केजी का है, मतलब ज्यादा, मतलब 282 लीटर है, इसमें 6000 आएगा और इसमें 73000 लीटर आएगा। ये 9000 का अगर मैं इसको लीज पे लू तो मेरे को लीज पे कितने का पड़ेगा? ओके, $484 का पड़ रहा है, तो मैं ले रहा हूँ। अब देखते हैं, ये पता नहीं ये वाला भी जो है टैंकर से पानी हम भर पाएंगे नहीं, अगर भर गया तो ठीक है, वरना पानी का मेरे को ना कुछ ना कुछ सीन देखना पड़ेगा यार, क्योंकि मेरे को गाइस कोई भी आइडिया नहीं कि भाई पानी जो है यहाँ पर कैसे कहाँ पहुंचाया जाता है। और इसके चक्कर में जो गाइस अपना सारा का सारा बाकी काम जो है ना वो भाई यहाँ पे रुका पड़ा है। मैं एक बार ना पानी भर के देख लेता हूँ, मेरे को लग रहा है इसमें ना अब की बार तो पक्का जो है काम बन जाना चाहिए मेरे हिसाब से। तो चल के एक बार टेस्टिंग मार लेते हैं, एंड आई होप कि इसके अंदर पानी आ जाए। एंड हाँ, ये टैंकर काम करेगा ना भाई, चलो रिफिल करो भाई इसको। ओके गाइस, इसके अंदर पानी भर रहा है, और मेरे को यहाँ पे बैठ के भरना पड़ेगा क्या? एंड यार ये भी तो मेरे को काम करना है, और कॉन्ट्रैक्ट 51 फिनिश हो चुका है। ओके ओके गाइस 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 गाइस, अपना 51 फील्ड में जो कॉन्ट्रैक्ट चल रहा था वो यहाँ पे अपने वर्कर ने पूरा निपटा दिया है, तो इसको अपन यहाँ पर जो है कलेक्ट कर लेते हैं सर। एंड ऑल राइट, अभी 57 का थोड़ा सा यहाँ पे बाकी रह रहा है, एंड मेरे को लग ही रहा है कि लग नहीं रहा है भाई, यहाँ पर इसने ना पूरा का पूरा खेत जो है कल्टीवेट कर दिया, थोड़ा सा बीच में नल्ले ने छोड़ दिया है। पर वेट, सबसे पहले मेरे को ना ये खाली कर, भाई कितना सारा काम है यार, मैं तो काम करते करते पागल हो जाऊंगा यार, देख रहे हो गाइस भाई कितना काम है यार। अभी सोचो अकेले बंदे को क्या क्या नहीं करना पड़ता है, वो तो ये अच्छा है गेम वालों ने AI वर्कर दे रखे हैं, वरना भाई इंसान तो पागल ही हो जाए। तो अभी ना यहाँ पर मेरे को थोड़ी देर रुक के जो है इसको ना पूरा ट्रॉली खाली करा के इसको दोबारा भेजना है उस वाले फील्ड 57 पे, ताकि ये दोबारा वहां पहुंच के माल लेके आ पाए। और देखते हैं 57 का जो है कितना क्या बोलते हैं वो कंप्लीट हो चुका है। मेरे हिसाब से यार अब की बार में ना पूरा हो जाना चाहिए, क्योंकि 70% पहले जो है क्या बोलते हैं लाइक ओके 88% ट्रांसपोर्ट ही कंप्लीट हुआ है यार। मेरे को लगा था भाई इस बारी तो पूरा हो ही जाएगा, एंड ओके यहाँ से ही घुमा देगा तेरा भाई, क्योंकि भाई बहुत काम पड़ा है यार। एंड चलो अभी एक काम करते हैं, अपने AI वर्कर से बोलते हैं कि तू ना इसको जो है फील्ड 57 पे पहुंचा दे। ठीक है, तो एक काम कर, यहाँ पर जो है इसको फटाफट पहुंचा। ठीक है, मैं तेरे को ना वहीं पे मिलूंगा। एंड ये वाला जो है मेरे को ना थोड़ा सा एरिया जो है हार्वेस्ट करना है, चलो इसको भी जो है जल्दी से निपटा देते। वैसे इस वाले कॉन्ट्रैक्ट में ज्यादा सिरदर्दी मैं इसलिए नहीं ले रहा हूँ, बिकॉज गाइस ये वाला जो खेत है ना, मतलब यहाँ पर जितनी भी मशीनें चल रही है अपनी सारी खुद की चल रही है, तो इतना कोई वो वाला सीन है नहीं, समझ रहा हूँ ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मतलब लाइक सिरदर्दी नहीं है कि हमें लीज पे हमने सामान ले रखा है तो उसका भैया किराया हमें देना पड़ेगा, वैसा वाला कोई सीन नहीं है गाइस। तो इसीलिए जो है हमारा भाई जो है ज्यादा सिरदर्दी अभी ले नहीं रहा है इस वाले कॉन्ट्रैक्ट के लिए, बट मैं सोच रहा हूँ यार जल्दी से निपट जाए, तो जो भी अपना एक्सपेरिमेंट अपन लोग कर रहे हैं ना उसका तो पैसा एटलीस्ट जो है रिकवरी हो ही जाए। एंड बाकी जो है गाइस यहाँ पर ये सारा का वैसे ऑलमोस्ट हो चुका है। एंड मैं एक बार ना पूरे खेत में देख आता हूँ क्या कोई नल्ले ने कोई एरिया छोड़ दिया। हाँ भाई, वो देखो पूरा उधर वाला कॉर्नर जो है ना वो गाइस यहाँ पे पूरा का पूरा छूटा पड़ा है, तो वो भी मैं कल्टीवेट कर लूंगा। क्योंकि गाइस हार्वेस्टिंग में पता है क्या होता है, हार्वेस्टिंग में ये होता है कि अगर थोड़ा बहुत सामान, मतलब जो क्या बोलते हैं जो ये रहता है ना अनाज वगैरह, ये बच जाता है ना, तो इसका पैसा हमें मिलता है, समझ रहे हो? तो इसीलिए जो है तुम्हारा भाई इतना ज्यादा जो है फोकस के साथ हार्वेस्टिंग के कॉन्ट्रैक्ट लेता है, क्योंकि इसमें ना अपना फायदा ये होता है, जैसे देखो कॉन्ट्रैक्ट जितने में हमने लिया है वो पैसा तो हमें मिलता ही मिलता है, और साथ ही साथ ये जो एक्स्ट्रा माल हम वहाँ पे बेचते हैं ना उसका भी गाइस हमें पैसा मिल जाता है, तो जो कि बहुत ही ज्यादा सही है, समझ रहे हो ना? इसीलिए एंड चलो ये काम हो चुका है। वेट ये वाले ट्रैक्टर में बैठो, एंड इसका पानी होके पूरा भर चुका है, तो ये मैं काम करता हूँ, ये वाला पानी जो है ना इसको मेरे को जो है भाई घर पे पहुंचाना होगा। ये ट्रैक्टर चढ़ जाएगा ना यहाँ पे भाई, जॉन डीरे चढ़ेगा, क्यों नहीं चढ़ेगा यार, 47-55 है पावरफुल ट्रैक्टर, आराम से चढ़ेगा। एंड चलो यार अभी इस वाले ट्रैक्टर को जो है
मेरे को यार घर तक पहुंचाना है, और क्योंकि अपना घर ज्यादा दूर नहीं है, पास में ही है यहाँ से। बस प्रॉब्लम ये है कि यार ये ट्रैक्टर में जान तो बहुत होती है, बट ये गाइस जो ट्रैक्टर है ना भाई तेज नहीं भागते, तो ये थोड़ा सा दिक्कत वाला सीन है। पर कोई बात नहीं है, इतना बहुत तो चलता है, ठीक है। मतलब कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है इंसान के लिए, तो अपन जो है स्पीड को खो रहे हैं पर पा रहे हैं भाई पावर, समझ रहे हो ना गाइस, तो इसीलिए। एंड बाकी वेट, मेरा मैप कहाँ चला गया भाई, ये रहा ना। तो अपन को जाना है घर, घर है गाइस अपना, थोड़ा दूर नहीं है, पास में ही है यार वो, देखो सामने जो है अपना घर आ गया एकदम, इधर दूर से ही चमक जाता है ना। हाँ वो रहा गाइस, आगे ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। बस प्रॉब्लम यही है, मतलब थोड़ा सा दूर इसलिए लगता है कि ट्रैक्टर में थोड़ा स्लो भागते हैं ना, तो इसीलिए। एंड ओके गाइस, ये वाला घर पार करते जो है अपना ही जो है फार्म आने वाला है। एंड वहाँ चल के जो है अपन को सबसे पहले अपने ग्रीन हाउस में पानी डालना है, एंड उसके बाद वहाँ पे देखते हैं कि प्लांटिंग का क्या कैसा सिस्टम है। मैं सोच रहा हूँ टमाटो ही लगा दूँ, क्योंकि टमाटो जो है ना महंगे बिकते हैं मेरे हिसाब से। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, ठीक है। तो अभी फटाफट से जो है अपन यहाँ से जाएंगे, और इस वाले खेत में अपना कनोला लग रखा है मेरे हिसाब से। हाँ, इस वाले खेत में कनोला ही हमने लगाया था, जिसमें कि अभी तक लाइक कुछ भी ग्रो तो मेरे को नहीं दिख रहा। और मेरे को ये वाला जो खेत है ना गाइस, ये भी यार कल्टीवेट करा के ना यहाँ पे कुछ बनवाना, मतलब लगाना है। और मैं वेट कर रहा हूँ सितंबर का महीने का आने का, क्योंकि सितंबर में सोच रहा हूँ मैं ना वहाँ पर उसमें बीट लगाऊंगा, क्योंकि कनोला तो हमने ऑलरेडी जो है 2-3 जगह लगा रखा है। एंड चलो गाइस, ये जो है टैंकर अपना आ गया है, और अपना पानी जो है भाई यहाँ पे भर रहे हैं। एंड देखते हैं कि इसके टैंक में भाई कितना लीटर पानी आता है। भाई मेरे को लग रहा है पूरा का पूरा पानी खाली हो जाएगा भाई। ओके गाइस, पानी बचेगा। ओके, पूरा का पूरा पानी खत्म हो चुका है। एंड वेट, एंड अभी गाइस जो है ये वाले प्लांट ग्रो हो चुके हैं। पर एक सेकंड, मेरे को अंदर जाने से पहले ये ट्रैक्टर थोड़ा साइड में करना पड़ेगा। एंड मैं सोच रहा हूँ एक बारी पानी ना और भर के ला के जो है डाल दूं, क्योंकि हमने लीज का पैसा तो दे ही रहे हैं, तो काम भी इससे पूरा ही निकालते हैं। एंड गाइस, यहाँ पर जो है अपना टमाटो लग चुका है, और पानी उके इसमें भी और आ सकता है। और टमाटो का जो है अपन ने कर दिया है, ठीक है। यहाँ पर टमाटो जो है लगने लगे हैं। अब मुझे नहीं पता कि टमाटो का क्या सीन है क्या सीन नहीं है, फिलहाल तो मैंने एक्टिवेट कर दिया। और रेसिपी वगैरह मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा गाइस, आई डोंट नो। एंड स्पेस तो विजिट करते हैं, मैंने भाई विजिट करना था मेरे को। एंड अगर मैं यहाँ पे चल के देखूँ तो मैं टमाटो को कितने का बेच सकता हूँ, वेट अ सेकंड। तो टमाटो जो है जॉनस फार्मर्स मार्केट में 1300 रुपए का बिकते हैं, और रेड मार्बल पे इतने का। और यहाँ पे तो भाई अभी प्राइस सस्ता चल रहा है, स्ट्रॉबेरी तो सस्ती है, लैक्टस महंगा यार, तो मेरे को ना लैक्टस लगाना चाहिए था। बट कोई नहीं, मैं यहाँ पे टमाटो ही फिलहाल के लिए प्लांट कर रहा हूँ, ठीक है। और टमाटो यहाँ पे 7 लीटर शायद ग्रो भी हो गए हैं, चेंज आउटपुट मोड है। चेंज अगर मैं कर दूंगा तो क्या होगा उससे, पता नहीं यार। टैग प्लेस, अच्छा मैं टैग भी कर सकता हूँ, पता नहीं गाइस क्या है। फिलहाल तो मैंने जो है यहाँ पर इसको लगा दिया है, और ये जो है शायद बनना भी स्टार्ट हो गया, मतलब टमाटो जो है यहाँ पर ग्रो होना स्टार्ट हो गए। ये देखो 9 लीटर हो भी गए हैं मेरे ख्याल से। अब देखते हैं कि इनको अपन मतलब कैसे बेचेंगे, क्या है। अभी तो फिलहाल रनिंग में चल रहा है अपना टमाटो का जो है नंदा पानी, और अपने टोटल 72,000 रुपए आ चुके हैं। बाकी अपना वो वाला ट्रैक्टर आ गया। ओके, वो देखो जस्ट जो है अभी अभी तुरंत ताजा यहाँ पर पहुंचा है अपना ट्रैक्टर। तो ये वाले ट्रैक्टर को अपन जो है इसके जस्ट बाजू में लेके चलते हैं, क्योंकि मेरे को जो है यहाँ पर इसको खाली करके दोबारा से ग्रेन मिल पे भेजना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हार्वेस्टिंग है गाइस, तो काम तो जो है वो पूरा खत्म हो चुका है। बट वेट यार ये थोड़ा सा सीन है गाइस, अभी ना मेरे को इसके अंदर बैठना पड़ेगा यार। वेट अ सेकंड, अरे इसमें बैठ भैया, इसमें बैठ, इसका पाइप आउट कर एंड इसको खाली कर देगा। अभी मैंने पाइप आउट कर दिया, बस मेरे को इसको ट्रैक्टर को रिवर्स लगाना पड़ेगा। चल भाई रिवर्स, चल। ओके, खाली हो रहा है, नीचे तो नहीं कर रहा ना। ओके, नीचे नहीं कर रहा है, मतलब वो लाइक दिख रहा है ऐसे कि वो नीचे कर रहा है, पर एक्चुअली में वो गाइस नीचे यहाँ पर नहीं कर रहा है। एंड यहाँ पर जो है ये वाला कॉन्ट्रैक्ट आज फाइनली फिनिश होने वाला है, मतलब पिछले एपिसोड में हम लोगों ने शायद इस कॉन्ट्रैक्ट को स्टार्ट करा था, और अभी तक जो है ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं हुआ है भाई। अब जो है जाके ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा का पूरा फाइनली खत्म होने वाला है। एंड चल के देखते हैं कि यहाँ पर कितना जो है इसमें बचा है माल, पानी पूरा का पूरा खाली हो जाना चाहिए ये। ओके, 10, 11, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, ओके 2% बाकी रह गया। अरे तेरी भैंस की, अब मैं 2% को कैसे लेके जाऊंगा यार। शिट गाइस, ये तो थोड़ा सीन गलत हो गया भाई। कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है जी। अपन एक काम करते हैं, ये वाला ट्रैक्टर है इसको ना अपन भेजेंगे, कहाँ पर भेजना था भाई, ग्रेन मिल पे भेजना है। ग्रेन मिल कहाँ है भाई, ये रही यार बहुत दूर है गाइस। कोई बात नहीं है यार, भेजना तो पड़ेगा। चलो तुम ले जाओ सर, ले जाओगे ना भैया जी, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। हाँ जी, हाँ कोई दिक्कत नहीं होने वाली है गाइस। एंड बाकी क्या मैं पिकअप ट्रक के अंदर भी जो है अनाज ले जा सकता हूँ, मेरे ख्याल से इसके अंदर
जाना तो चाहिए पर जाएगा नहीं, मुझे पता है। ठीक है, बाकी यार थोड़ा सा इसके अंदर 2% बचा हुआ है, तो मैं काम करता हूँ ये वाला ना भाई, इसको जो है अपन घर पे पहुंचवा देते, क्या बोलते हो? एंड अपने घर में जो है थोड़ा सा वो बढ़ाया ना, क्या बोलते हैं उसको, स्टोरेज है अपने घर पे, ठीक है, तो अपन ना वहाँ पे इसको ड्रॉप करा देंगे। चलो जी, तुम इसको ना घर तक पहुंचा देना, ठीक है। हाँ, एकदम बढ़िया हो गया है। बाकी मेरे को यार ये दोबारा से ना थोड़ा मैं सोच रहा हूँ पानी और भरवा लेता हूँ, क्योंकि जब हम इसका पैसा दे रहे हैं ट्रेलर का, तो उससे काम भी जो है एकदम बढ़िया से निकाल ले। वैसे अपने घर के आजू बाजू कहीं पे पानी पड़ा है क्या? एक बार चेक कर लेते हैं अपने घर के आजू बाजू कहीं पे पानी है क्या। और लाइट यहाँ पर है भाई, एक गड्ढे में पानी है, एंड अपनी शॉप से मैं पानी लाता हूँ वो यहाँ पर है, ठीक है। और एक जगह ये है पानी की, मतलब लाइक ये वाली जगह थोड़ी सी पास में है मेरे ख्याल से, तो अपन को ना वहीं पे जाना चाहिए। एंड चलते हैं गाइस, एंड पानी जो है भर के लाते हैं। और वेट, ट्रैक्टर फंस गया क्या भाई? फंसियो मत। हाँ, निकल गया, निकल जा, निकल जा। अरे दम तो है भाई इसमें, दम तो है जी। मैं सही जा रहा हूँ ना? एकदम सही जा रहा हूँ गाइस, बिल्कुल सही जा रहा हूँ। एकदम कच्चा रास्ते से जाऊंगा ना तो एकदम जल्दी पहुंच जाऊंगा भाई उस जगह पे। चलते गाइस फटाफट से ना दोबारा पानी भर के लेके आते हैं और दोबारा से इसमें फिल करते हैं भाई अपने, क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस के अंदर। ओके, तो गाइस अपन पानी लेके यहाँ पर आ चुके हैं भाई, और ट्रैक्टर चढ़ जाएगा। ओह भाई, पूरी दम निकल गई थी इसकी। एंड चलो गाइस अभी ना फटाफट से चल के जो है इसके अंदर पानी डालते हैं। और भाई टमाटो में देखो फ्लावर व्लावर लग चुके हैं यहाँ पर, ठीक है। एंड ये अपना खाली हो रहा है, रुक गया था यार, मेरे को एकदम इसके अंदर बैठ के जो है पूरा का पूरा टैंकर खाली करना पड़ेगा। मेरे को लग रहा है इस बार भी जो है पूरा का पूरा पानी इसके अंदर चला जाएगा। एंड अगली बार ना अपन दोबारा जब इसको लेके आएंगे ना लीज पे, तो थोड़ा बड़ा वाला टैंकर लेके आएंगे, क्योंकि फिर हमें जो है ना बार बार ही आना जाना नहीं पड़ेगा यार, क्योंकि एट दी एंड अगर घुमा फिरा के देखी जाए चीजें, तो पैसा तो भाई उतना ही जा रहा है ना। एंड चलो गाइस यहाँ पर देखते हैं, तो पानी काफी अच्छा खासा है। और ये देखो भाई, ये सेलिंग पे भी लग चुका है भाई साहब, टोमेटो गाइस अपने सेलिंग पे भी लग चुके हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि कितने पैसे में लाइक जा रहा है। एंड बाकी अगर मैं टैग प्लेस करूं तो मेरे को अगर समझ में नहीं आ रहा भाई कि मैंने टैग तो कराया उससे क्या होगा। बाकी ये वाला ट्रैक्टर जो है गाइस अपना अभी तक पहुंचा नहीं है भाई। और ये देखो गाइस अपनी जो टॉप लाइनर है वो घर पर आ चुकी है, और इसको जो है मेरे को ना चल के वहां पर खाली करना है, ठीक है। अपना जो है क्या बोलते हैं अपनी खुद की ग्रेन है ना, ग्रेन मिल जो है, मतलब अपनी सेल बोलते हैं ना उसको, वहां पर जाके मेरे को जो है इसको खाली करना है। जो 2% जो है इसके अंदर मामला पानी रह गया है, क्योंकि ये भी जो है तुम्हारे भाई के पास ही जाने वाला है। मतलब पैसा तुम देखो अभी कितना ज्यादा जो है अपन कमाएंगे। फटाफट से इसका पाइप आउट करो एंड खाली कर दूंगी। ये देखो डायरेक्ट जो है खाली हो चुका है। एंड चलो गाइस ये जो है अपना पूरा का पूरा हो गया है। और इस वाले हार्वेस्टर को भी अपन यहाँ पर खड़ा कर देंगे, ठीक है। एंड ये जो है मेरे को जो मैंने लीज पे ले रखी थी ना, इसको मेरे को रिटर्न करना पड़ेगा, वो मैं कर दूंगा। बाकी यार क्योंकि ये पहुंचने ही वाला है भाई, इसका ट्रैक्टर का तो दम निकल गया। एंड चलो एक काम करते हैं गाइस, अभी जो है यहाँ से वर्कर हटा दिया है, और इसको जो है अपन खुद से जाके जो है वहाँ पे ड्रॉप कर देंगे। और मैं ना गाइस अभी आपको साइड में दिखाने वाला भी हूँ कि क्या बोलते हैं अपन को जो है यहाँ पर कितने रुपए का प्रॉफिट होने वाला है, ठीक है। तो देखो अभी ना सबसे पहले मैं एकदम अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हार्वेस्टिंग में अपन को ज्यादा प्रॉफिट क्यों होता है, ठीक है। तो ये देखो अभी अपन यहाँ पे आ गए, ठीक है, अभी आ चुके, सब कुछ आपको नॉर्मल लग रहा होगा। तो गाइस ये देखो 57 चल रहा था, ठीक है, ये अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्टिवेट था, जिसकी की हार्वेस्टिंग के हमें $8,738 मिलेंगे, ठीक है। $8,738 जो है हमें यहाँ पर क्या बोलते हैं मिलेंगे, और साथ ही साथ ये पैसे तो मिलेंगे। और अभी देखो अभी जब मैं ना इसको यहाँ पे डंप करूंगा, ठीक है, इसको जो है अपन यहाँ पे खाली करेंगे, तब हमें और पैसे मिलेंगे। मतलब ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये अगर आप लोग देखोगे तो 98% हो चुका है, ठीक है। एंड जैसे ये ड्रॉप होना शुरू हो जाएगा, एंड इसको खाली हो जाना चाहिए था अब तक, क्योंकि भाई खाली हो रहा है 99। और ये देखो अब ये बाकी का जो जा रहा है ना सारे के सारे अपने अकाउंट में जा रहा है भाई, जितना भी है। कॉन्ट्रैक्ट कब का खत्म हो गया गाइस? अब देखो ये बाकी एक्स्ट्रा पैसे भाई $6,337 के हमने जो है ऑर्ड्स अपने अलग से भेज दिए भाई। मतलब 8,000 तो हमें मिले, ठीक है। देखो 6,000 जो है वो हमें इस वाले आइटम के मिल गए, मतलब जो एक्स्ट्रा में था हार्वेस्टिंग का, 6,000 इसमें मिल गए। और प्लस जैसी मैं ये वाला जो है क्या बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट कम्प्लीट करूंगा, तो इसके $8,738 मेरे को और मिलेंगे। तो टोटल ये वाला कॉन्ट्रैक्ट में अपन को जो है 8 और 6, मतलब ₹14,000 का टोटल हमें जो कॉन्ट्रैक्ट गाइस ये पड़ा है, समझ रहे हो भाई। तो इसीलिए जो है तुम्हारा भाई हार्वेस्टिंग में थोड़ा ज्यादा ध्यान देता है। एंड बाकी जो ये वाला ट्रैक्टर है यार, इसको ना अपन को दोबारा से घर पे बुलाना है, ठीक है। एंड चलो मैंने यहाँ पर वर्कर को बोल दिया, ये अपना घर पे पहुंचा देगा। और अभी जो है मैं ये वाला कॉन्ट्रैक्ट को कलेक्ट कर लेता हूँ,
तो चलो गाइस यहाँ पे हमें $8,738 भी मिल चुके हैं, मतलब टोटल मोटा मोटा मान के चलो 15,000 का जो है गाइस ये वाला कॉन्ट्रैक्ट हमें पड़ा, एंड जो कि बहुत ही ज्यादा सही है। और फिलहाल अभी कोई नए हार्वेस्टिंग के कॉन्ट्रैक्ट और आ रहे हैं गाइस, एक में हमें 3,000 मिल रहे हैं, एक में 2,000 मिल रहे हैं, इसमें से अपन प्रॉफिट कमा सकते हैं। बट गाइस ये सारी की सारी जो चीजें हैं मैं करने वाला हूँ अगले एपिसोड में। एंड गाइस अगर आप लोगों ने ये वीडियो यहाँ तक देखी है और आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर देना, एंड चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कर लो। बाकी गाइस देख सकते हो ये अपना जो है ग्रीन हाउस यहाँ पे वर्क करने लगा है, बाकी अगले एपिसोड में अपन और भी जो है ग्रीन हाउस लगाएंगे ताकि और भी मोटा प्रॉफिट जो है यहाँ पर कमा पाए। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।